एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे अस्तर लाइनिंग वाले सूट की स्टिचिंग करना। और इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें मैंने जो है आप लोगों को इसकी कटिंग बताई थी। आई होप कि ये वाला वीडियो भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। पसंद आए और हेल्पफुल रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। तो चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं। तो जी, ये है हमारी कटिंग स्लीव्स की और ये बैक साइड का अस्तर और मेन फैब्रिक है। और ये वाला जो है ये हमारा जो है फ्रंट साइड का अस्तर लाइनिंग और मेन फैब्रिक है, देख सकते हैं आप लोग। तो सबसे पहले हम लोगों ने लाइनिंग किस तरह से जोड़नी होती है, अस्तर हम लोगों ने किस तरह से अटैच करना होता है वो हम लोग सीखेंगे। तो देखिए, ये हमारे फ्रंट साइड की लाइनिंग है। सबसे पहले हम इसका बॉटम को इस तरह से ऐसे हेमिंग कर लेंगे, ठीक है जी। तो चलिए इसको हम सिंपली जो है स्टिच कर देंगे। तो देखिए, मैंने इसको स्टिच कर दिया है। अब हमने इस तरह से ऐसे जो है अस्तर वाले फैब्रिक के ऊपर जो हमारा मेन फैब्रिक है, मेन जो हमारा कटिंग है, उसको हमने लेना है और उल्टा करके हमने इसको इसके ऊपर इस तरह से ऐसे बिछाना है और बिल्कुल अच्छे से हम सेट करेंगे, ये देखिए इस तरह से। और ये नेक के पास से हमने बिल्कुल सिलाई लगानी है क्योंकि हम बिना बुकरम वाला नेक बना रहे हैं, ठीक है जी। तो देखिए, सिंपली हमने इस तरह से ऐसे रखना है और बिल्कुल नेक के पास पास जो है हम इस तरह से ऐसे सिलाई लगाते जाएंगे, ये देखिए इस तरह से। इस तरह से नेक बनाने से क्या होता है, आपको अलग से कोई बुकरम से नेक नहीं बनाना पड़ता है और बहुत ईजली और बहुत अच्छे से फिनिशिंग के साथ जो है हमारा नेक बनकर तैयार हो जाता है। और जो बैक साइड होता है उसमें भी हमें कोई भी हैंड स्टिच वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ज़्यादा ईजली जो है हमारा नेक बनकर तैयार हो जाता है। तो देखिए, हमने इस तरह से ऐसे इसको स्टिच कर दिया है। अब हमने क्या करना है, करीबन हाफ इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए हमने दोनों फैब्रिक्स इस तरह से ऐसे कट कर लेने हैं नेक के अंदर से, ये देखिए इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे। और अब जो है हम लोग, ये देखिए हमने इसको कट कर दिया। अब यहाँ पर हम लोग कट लगाएंगे। कट लगाते वक्त आपने ध्यान रखना है कि जो आपने सिलाई लगाई है वो आपकी सिलाई ना कटे, ठीक है जी। और कट लगाने बहुत ज़रूरी है, इससे ना बहुत अच्छे से जो है फिनिशिंग आती है। अब हमने इसको उलट देना है, यानी कि अब हम इसको इस तरह से ऐसे पलट देंगे, ये देखिए इस तरह से हमने इसको ऐसे पलट देना है। बिल्कुल अच्छे से हम इसको ऐसे पलट देंगे। और अब सारे फैब्रिक को जो हमारा अस्तर है उसको पीछे करते हुए हमने इस तरह से ऐसे ऊपर की साइड से ऐसे सिलाई लगानी शुरू करनी है। सिलाई छोटी और फिनिशिंग के साथ लगाएं। और अगर आपके नेक पर मोती वगैरह आ रहे हैं तो आप लोग उसको हटा दें या फिर उससे बचाकर सिलाई लगाएं, वरना जो आपकी मशीन की सुई है, निडल है, वो टूटने का डर रहता है। तो देखिए, बिल्कुल तरीके से लगाएं और जो हमारा अस्तर का फैब्रिक है उसे अच्छे से अंदर की साइड फोल्ड करते जाएं, ये देखिए इस तरह से, और ऐसे सिलाई लगाते जाना है। तो जी, हमारे पूरे नेक पर सिलाई लग गई है। और अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये देखिए हमारा जो नेक है वो बनकर तैयार है, ये देखिए ये फ्रंट साइड से और ये बैक साइड से आप लोग देख सकते हैं। मैं अभी आप लोगों को जो है नीचे रख के अच्छे से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये फ्रंट साइड से और ये बैक साइड से फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है इस तरह से। अब देखिए, इसको ना हमने बिल्कुल अच्छे से इस तरह से ऐसे बिछा देना है, ये देखिए एक दूसरे के बराबर बिल्कुल करके। और ये देखिए, सेट बहुत अच्छे से करना है। अगर बिल्कुल भी कोई भी श्रिंक वगैरह है तो उसको आयरन कर लें अच्छे से। और फिर इस तरह से आपने जो है इसको पिनअप करना है। पिन से ना बहुत इजी हो जाता है हमें स्टिच करना, कोई भी झोल वगैरह आने का कोई भी डर नहीं रहता है। तो देखिए, इस तरह से जो है बिल्कुल अच्छे से इसको एक दूसरे के ऊपर रखते जाएंगे, अस्तर और मेन फैब्रिक को, और ऐसे चारों तरफ से हम इसे अच्छे से सिक्योर कर देंगे पिन से। और मिडल में भी जो है हम इसके पिन लगाएंगे ताकि बीच से भी जो है बिल्कुल भी श्रिंक वगैरह ना आए। और जब भी आप लोग कॉटन का अस्तर यूज़ करेंगे तो आपने पहले उसको धुलना है, आधा घंटा आपने उसे भिगो के रखना है, धुलना है और फिर सुखा के उसको जो है अस्तर यूज़ करें, वरना बाद में ना अस्तर हमारा श्रिंक हो जाता है तो फिर हमारा सूट ख़राब हो जाएगा। तो देखिए, इस तरह से जो है मैंने चारों साइड इसके इस तरह से ऐसे इसको पिनअप कर दिया है। अब ये कहीं से भी जो है हिलने नहीं वाला है और कोई भी झोल वगैरह नहीं आएगी। अब देखिए, चारों साइड से जहाँ से मैं फिंगर ले जा रही हूँ अपनी, वहाँ से हमने इसको स्टिच करना है। ये देखिए, कंधे से लेकर पूरा नीचे बॉटम तक जो है हम इसको स्टिच करेंगे। सिंपली हम बड़ी सिलाई लगाएंगे अपनी मशीन की। तो देखिए, मैंने ये चारों साइड इसके ऐसे सिलाई लगा दी है। मशीन की जो सबसे बड़ी सिलाई होती है ना वो लगाना, वरना कई बार छोटी सिलाई लगाते हैं ना तो फैब्रिक खिंचने लगता है। तो देखिए, फ्रंट साइड हमारा बनकर तैयार है और देखिए कहीं से भी कोई भी झोल वगैरह नहीं आई है। फ्रंट साइड पे हमने अस्तर जोड़ दिया है अपना, ये देखिए इस तरह से अटैच कर लिया है। अब इसी तरह से ना हम जो हमारा बैक साइड है ना उसका नेक बना लेंगे सिंपली, और ऐसे ही हम उसका भी अस्तर जोड़ लेंगे। तो देखिए, ये हमारा फ्रंट साइड है जिसको हमने सीधा करके रखा है और ये हमारा बैक साइड है जिस पर हमने अस्तर अटैच कर लिया है। और अब हम इसको बैक साइड से रखेंगे, उल्टी साइड से रखेंगे, ये देखिए इस तरह से।
अब इस तरह से रखकर हम यहाँ पर जो है सबसे पहले कंधी की सिलाई लगाएंगे। दोनों कंधी की सिलाई हमने लगानी है। तो देखिए ये मैंने यहाँ पर जो है कंधी की सिलाई लगा ली है, देख सकते हैं आप लोग। और अब हमने इसको इस तरह से ऐसे खोलना है और अब हम यहाँ पर जो है अपनी स्लीव्स अटैच करेंगे। तो स्लीव्स हम सबसे पहले देखिए नीचे जो इसके बॉटम में हमने लेस लगानी थी वो लगा ली है मैंने। और अब जो हमारा फ्रंट साइड होता है वो हल्का सा गहरा होता है, तो देखिए गहराई से गहराई वाला हिस्सा मिला के, मतलब स्लीव्स का गहराई वाला हिस्सा सूट की गहराई वाले हिस्से से मिलाते हुए हमने इस तरह से, ये देखिए इस तरह से, और इसको हम अटैच करते जाएंगे। और हमेशा जो है मैं सेंटर से अटैच करना शुरू करती हूँ क्योंकि जो भी फैब्रिक बचना होता है वो दोनों तरफ बराबर बचता है। ये देखिए इस तरह से हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो देखिए दोनों तरफ से हमने स्लीव्स जोड़ दी हैं। अब जो है हम मेन जो हमारी नीचे जो हमारा बॉटम था वहाँ पर ये लेस लगानी थी, तो देखिए मैंने लेस लगा दी है। आपको फोल्ड करना हो तो आप फोल्ड कर दीजिए। अब जो है हम इसके साइड की सिलाई लगाएंगे। तो देखिए एक साइड तो हमारे इस तरह से ऐसे निशान लगा हुआ है, हिप तक हमने सिलना है, और दूसरी साइड हम किस तरह से निशान लगाते हैं चलिए वो मैं आप लोगों को जो है मशीन पर बताऊँगी। तो देखिए जिस साइड हमारे निशान लगा हुआ था फिटिंग का, सिंपली हमने क्या करना है, शुरुआत में हमने पक्का करना है और फिर धीरे धीरे से मतलब अच्छे से मिलाते हुए फ्रंट और बैक को, और इस तरह से हम जो है सिलाई लगाते जाएंगे। सिलाई ना ही तो ज़्यादा बड़ी हो और ना ही ज़्यादा छोटी हो, क्योंकि बड़ी होती है तो खुलने का डर रहता है और ज़्यादा छोटी होती है तो हमारा फैब्रिक खिंचता भी है, और कई बार क्या होता है हमें ढीला टाइट करना होता है तो फिर उसको खोलने में भी बहुत दिक्कत आती है, तो आपका फैब्रिक फट सकता है। तो इसलिए आपने जो है मीडियम सिलाई हमेशा लगानी है अस्तर वाले सूट पे। तो देखिए अब इस तरह से जो ये हमारा लास्ट हिप वाला निशान है ना, यहाँ तक हम इस तरह से ऐसे पक्का करेंगे यहाँ पर, और इसको कट कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने अब अपने धागे को कट कर देना है। अब हम इसको पलट लेंगे और अब जो हमारा ये वाला साइड है ना, यहाँ पर हम जो है निशान लगाने शुरू करेंगे। तो जो हमारे मार्जिन का निशान था वो था 1.5 इंच, तो देखिए 1.5 इंच पर हमने इस तरह से ऐसे निशान लगाना है। ये देखिए इस तरह से पूरी जो हमारी ये वाली साइड है हिप तक, यहाँ तक हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और अब देखिए जो कटिंग में हम ये कट्स लगाते हैं ना, तो इससे हमें वेस्ट लाइन और हिप लाइन का पता चलता है, तभी मैं बोलती हूँ कि ये निशान ज़रूर लगाया कीजिए, इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है स्टिचिंग के वक्त। तो देखिए अब मैंने 1.5 इंच का निशान लगाकर इस तरह से ऐसे निशान लगा लिया है। अब ये दूसरा कट जो है वो हमारा हिप लाइन का है, तो यहाँ पर भी हम जो है 1.5 इंच पर ऐसे निशान लगा लेंगे और इन निशानों को हमने ऐसे मिला देना है। ठीक है जी, अब सिंपली जैसे हमने उस साइड सिलाई लगाई है वैसे ही हम इस साइड पे भी लगाना शुरू करेंगे। शुरुआत में पक्का और सिलाई ये देखिए इस तरह से, और पूरा हिप तक हमने वैसे ही सेम सिलाई लगानी है, और अगेन पक्का करके हम धागे को कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब हमने क्या करना है, ये देखिए दोनों साइड की हमारी सिलाई लग गई है। अब जो हमारा नीचे बॉटम फोल्ड होता है ना, जो हम स्लिट जो फोल्ड करते हैं उसको हमने ऐसे पलट कर रख लेना है। ये देखिए स्लिट को हम इस तरह से रखेंगे, और जो हमारी स्लिट थी उसके लिए हमने मार्जिन 1.5 इंच का छोड़ा था, तो देखिए 1.5 इंच पर हम इस तरह से ऐसे निशान लगाएंगे। पूरी स्लिट पर ना आपने 1.5-1.5 इंच पर ऐसे ही निशान लगाने हैं। और अब देखिए जो हमारा निशान है वहाँ तक हम पहले एक बारी इस तरह से ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर इस तरह से सेकेंड फोल्ड, और अब यहाँ पर जो है हम स्टिच करना शुरू करेंगे। और आपके मशीन की जो सबसे बड़ी सिलाई हो वो लगानी है। अब देखिए निशान के अकॉर्डिंग हम इस तरह से ऐसे जो है फोल्ड करते जाएंगे। इस तरह से अगर आप लोग स्लिट फोल्ड करेंगे ना, कभी भी जो है झोल वगैरह नहीं आने की है। बहुत अच्छे से जो है, चाहे आड़े कपड़े में हो चाहे तिरछे कपड़े में, आड़ा या सीधा कोई सा भी फैब्रिक हो, बहुत अच्छे से जो है हमारा स्लिट जो है इस तरह से बनती है, तो आप ऐसे ट्राई कीजिएगा। तो देखिए अब यहाँ पर ये जहाँ पर हमारी सिलाई ख़त्म होती है यहाँ पर भी हम इस तरह से ऐसे डबल फोल्ड करेंगे और सिंपली जो है इस तरह से ऐसे सिलाई लगाते जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने रोक लेना है, और अब मशीन की सुई को हम नीचे छोड़ देंगे यहाँ तक लाकर इस तरह से, और इसको अब हम ऐसे घुमा लेंगे अपने सूट को। ये देखिए इस तरह से। अब दूसरे साइड की स्लिट को हमने ऐसे ही डबल फोल्ड करना है, ये देखिए इस तरह से, और यहाँ पर हम ऐसे सिलाई लगाएंगे अगेन, और अब इस साइड से भी। तो देखिए इस तरह से जो है हमने, अब जैसे हमने उस साइड किया है, इस साइड हमारा ऑलरेडी 1.5 इंच पर निशान लगा हुआ है, अब इसी निशान के अकॉर्डिंग हम जो है इसको पूरा फोल्ड करते आएंगे। ये देखिए इस तरह से। अब नीचे की साइड भी हम जो है 1.5 इंच पर ऐसे ही निशान लगा लेंगे। 1.5 इंच मतलब जितना आपने मार्जिन छोड़ा होगा ना, आपने उतने इंच का निशान लगाना है। मैंने 1.5 इंच मार्जिन छोड़ा था, तो मैं 1.5 इंच के अकॉर्डिंग ही जो है निशान लगा रही हूँ।
ये देखिए इस तरह से। तो जी हमारा जो स्लिट था वो बनकर तैयार है, आप लोग देख सकते हैं। और फिनिशिंग आप लोग देखिए, और बिल्कुल स्ट्रेट हमारा आया है, बिल्कुल भी कहीं से भी ये लाइनिंग वाला है, फिर भी कोई भी झोल वगैरह कुछ भी नहीं आई है, आप लोग देख सकते हैं आपके सामने ही है। तो एक साइड की जो है हमने स्लिट जो है सिल ली है, अब जो दूसरी साइड की स्लिट है उसको भी हमने सेम इसी तरह से ऐसे ही बनाना है। तो जी हो गया है हमारा सूट फाइनल, और आप लोग देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ जो है बनकर तैयार हुआ है। मैंने एक भी जो है स्टेप मिस नहीं किया है, पूरा ही आप लोगों को जो है बहुत अच्छे से बताने की कोशिश की है। और फिनिशिंग वगैरह आप लोग जो है पास से देख सकते हैं कितने अच्छे से जो है बनकर तैयार हुआ है। मैंने अभी कोई भी इस पर आयरन वगैरह नहीं किया है, बस इसके साइड्स जो है वहाँ पर हम जो है हैंड स्टिच कर देंगे, तुरपाई कर देंगे, और हमारा जो सूट है वो बनकर तैयार है। और जब भी मैं इसको 26 तारीख को वेयर करूंगी, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड की शादी है, तो सर्दी में थोड़े मतलब इस तरह के कपड़े, अस्तर वाले जो फैब्रिक मतलब कपड़े होते हैं वो थोड़ा आराम देते हैं अगर स्वेटर ना भी पहनो तो तब मैं ये पहनूंगी। तब वो जो है इसकी रील जो होगी वो मैं इंस्टाग्राम पर अपलोड करूंगी, मतलब इसको वेयर करके। तो आप लोग वहां पर मुझे जरूर फॉलो करें, क्योंकि मैं जो भी ड्रेस बनाती हूँ उसकी रील्स या फिर उसको पहनकर जो भी फोटोज वगैरह होते हैं वो सब मैं इंस्टाग्राम पर जो है अपलोड करती हूँ। तो आई होप कि आप लोग को जो है वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया हो और हेल्पफुल रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।